पहाड़ों पर आए दिन सड़क हादसों की खबरें सामने आती रहती हैं, लिहाजा पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन के मानकों में बदलाव की मांग उठने लगी है। लैंसडाउन से भाजपा विधायक महन दिलीप रावत ने कहा कि पहाड़ी इलाकों में मात्र 18 सीटर बस को ही सफर की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पहाड़ों में सीट बेल्ट की अनिवार्यता को भी खत्म करने की जरूरत बताई। बकौल महंत ज्यादातर हादसों में सीट बेल्ट लगी रहे, उन्होंने यात्री गाड़ी के साथ साथ खाई में गिर जाते हैं ये बातें भी कही और उन्होंने इस बाबत परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखने की बात कही। देखिए, मैंने शासन से बात करी है, माननीय मुख्यमंत्री से बात करी है, माननीय परिवहन मंत्री से बात करी है कि मैदानी क्षेत्रों का जो परिवहन नियम है उनको पहाड़ों पर लागू न किया जाए और इसके तहत जो पहाड़ों में बड़ी बसें जाती हैं 40 सीटर 45 सीटर 55 सीटर तो उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए और 18 सीटर से ऊपर की गाड़ियों को पहाड़ों में जाना अलाउ नहीं करना चाहिए।